मैंने इनसे पूछा, देखिए आप यहां सर्दी में काम कर रहे हो, यूपी से आए हो, बिहार से आए हो, वहां पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती, यहां पे -10-20 हो जाता है, आपको लद्दाख के लोग कैसे लगते हैं? क्या आपको लगता है कि यहां आप अकेले काम कर रहे हो या लद्दाख के लोग आपकी मदद करते हैं, आपको प्यार दिखाते हैं? मैंने उनसे पूछा और एक से नहीं, अनेक लेबरर्स से मैंने पूछा और सारे के सारे लेबरर्स ने मुझे बताया कि हम अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर हैं, हमारा परिवार यूपी में है, बिहार में है, मगर लद्दाख में हमें ऐसा लगता है कि हमारा दूसरा घर है। यहां पे जो भी कठिनाई होती है, पत्थर गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, सर्दी होती है, भूख लग जाती है, लद्दाख के लोग हमारी मदद करते हैं और जब भी हम उनके पास मदद के लिए जाते हैं वो एकदम हमारी मदद करते हैं। तो ये आपके डीएनए में है, आप एक साथ इज्जत के साथ बिना नफरत के रहते हो। और जो कांग्रेस पार्टी विचारधारा है वो आपके दिल के अंदर है। तो इस दौरे में आपने मुझे क्या बताया? सबसे पहले आपने बोला कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो आपकी राजनीतिक आवाज होनी चाहिए, जो आपके लोकल गवर्नमेंट्स के लीडर होने चाहिए, वो आवाज आपकी दबाई जा रही है। आप जरूर यूनियन टेरिटरी बने, मगर आपके जो हक हैं, आपके जो अधिकार हैं, वो आपको नहीं मिल रहे हैं। ये आपने पहली बार बोली। दूसरी बात आपने बोली कि जो रोजगार के वायदे आपसे किए गए थे वो वायदे झूठे थे और लद्दाख के कोने कोने में अगर किसी भी युवा से बात की जाए वो आपको कहेगा कि लद्दाख बेरोजगारी का एपिसेंटर है। तीसरी बात आपने बोली कि जो सेलफोन की कवरेज होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होना चाहिए वो नहीं है। यहां शायद आपने लोकल एयरपोर्ट की भी बात की कि यहां पे आपका एयरपोर्ट है मगर हवाई जहाज नहीं आता है। तो मैंने आपकी बात सुनने की कोशिश की और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है और आपकी जो स्ट्रगल है, चाहे वो आपकी जमीन